लोगों को जब ये धमकियां देते हैं, मुझसे कहा गया कि आपने मुस्तफा कमाल साहब के लिए बात कही कि वो एजेंसियों की बेबी हैं, तो मैंने कहा कि वो तो ओपनली जब ये कहते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करवा दूंगा लोगों का, तो सॉफ्टवेयर अपडेट रेमबो सेंटर में या तारिक रोड पे तो नहीं होते, वो बताएं सॉफ्टवेयर अपडेट कहाँ होती है ताकि लोगों को पता चले कि हाँ वो जो कुछ कह रहे हैं वो दुरुस्त है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से मैंने ये बात कही थी और मैं उस बात पर कायम हूं, मुझे कोई उसमें शर्मिंदगी नहीं है, मैं उस पर कहीं कोई शर्म महसूस नहीं कर रहा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने सोच समझ कर कही और उन लोगों के मफाद में कही जो आज तक मिसिंग हैं, उनके सैकड़ों खानदान अजियत के अंदर मुब्तला हैं, उनको भी इसी तरह आजादी मिलनी चाहिए और अगर वो मुजरिम है तो उन्हें कोर्ट में पेश करके उनको सजा देनी चाहिए, लेकिन उनके घर वालों को तो ये नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गए। तो अगर मैंने उनकी मफाद में कही है तो दो आदमी के रास्ता रोकने के लिए मैंने नहीं गई, मैंने तो सैकड़ों मिसिंग पर्सन के मफाद में गई है।